दो जगह के बहुत फेमस हैं, एक तो उड़ीसा के और वेस्ट बंगाल के। ठीक है ना, आज आवाज ठीक आ रही है? यस सर, यस सर। जी। अच्छा, पट चित्र का मतलब मालूम है आपको? जो कैलाश कुमार, यस सर। पटचित्र का मतलब पता है? पटचित्र किसको कहते हैं जी सर। बताइए। कपड़े पर सर। हाँ, ठीक कह रहे हैं। पट का मतलब होता है कपड़ा, कपड़े पे जो चित्रकारी की गई उसको पटचित्र कहते हैं। और आप ये भी कहेंगे कि कैनवास भी कपड़ा होता है जो हम लोग आजकल यूज करते हैं, उसको पटचित्र क्यों नहीं कहते हैं, है ना? तो बेसिकली ये ऐसा आर्ट फॉर्म था, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में इसकी शुरुआत हुई। और पटचित्र वो खास तरीके का एक कपड़ा उनका होता था, काफी बड़े आकार में। उसको उनके जो तायत और धर्म प्रधान विषयों को उस पर बनाया जाता था। और उस कपड़े को एक, जैसे हम लोग कैनवास यूज जब तैयार करते हैं, सपोज हम लोग कैमल का कैनवास यूज करते हैं, तो उसको तो हम लोग को लोगों को रेडीमेड तैयार मिल जाता है। तो वो बेसिकली तो कैनवास ही होता है, और उस पर कोटिंग की जाती है जिससे कलर उस पर एब्जॉर्ब ना करे वो करे। तो इसी प्रकार से ये शुरुआत दौर में तो ये पुराने कपड़ों पे, जैसे सपोज धोती है 5-6 मीटर की होती है, तो ऐसे पुराने कपड़ों पे ये कुछ मटेरियल है इनके, जिसका लेप करके उसको पहले उसकी सरफेस तैयार कर लेते थे, फिर चित्र बनाते थे। और चित्र वो उनके धार्मिक चित्र होते थे। और इसका क्या ये इसकी जानकारी है आप लोगों को कि ये क्यों बनाए जाते थे, उद्देश्य क्या था इनके पीछे बनाने का, मालूम है क्या किसी को? हाँ सर, जो परफॉर्मेंस होता था नाटक वगैरह उसी से संबंधित, जो जो नाटक हो रहा होता था उससे संबंधित दृश्य दिखाने के लिए, एक विजुअल जो है वो दिखाने के लिए इसका यूज ज्यादा होता था। हाँ, नाटक शब्द वहां पे यूज करना बहुत उपयुक्त तो नहीं होगा। वो इसलिए था, बेटा अभी क्लास ले, बात उनका उद्देश्य ये होता है। जैसे सपोज बहुत जगह नाटक होते, नौटंकी होती है, या कोई जागरण कराता है तो कोई भजन वालों को बुला लेता है, तो ये इसका भी उपयोग लगभग इसी तरीके से होता था। ये लोग बहुत बड़े कपड़े पे कोई थीम बेस उस पे सीरीज बना लेते थे चित्रों की। और दो कलाओं का ये मिला जुला रूप था, एक तो जैसे उन्होंने बताया कि विजुअल दिखाने के लिए, तो ये जगह जगह जाके अपना रोल किया, ले गए जगह जगह जाके वो चित्र डिस्प्ले कर देते थे, और उसको गा के परफॉर्म करके बताते थे। तो क्या मतलब, वो जो परफॉर्म कर रहे वो चित्र के रूप में भी रहे, और जो उसकी पीछे स्टोरी है वो भी दर्शक बखूबी उसको समझ पाए, उद्देश्य इसका ये होता था मुख्य रूप से। ठीक है, अब ये जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दो प्रदेश की पटचित्र बहुत अपने अलग स्थान रखती है। वो तो कौन से है? एक बंगाल है और दूसरा उड़ीसा। अब बंगाल उड़ीसा में प्रश्न उठता है कि कहाँ पे बन रहे होंगे, पूरे प्रदेश में तो नहीं बन रहे होंगे। ठीक है, तो बंगाल में दो जगह थी जहां पे ये बनते थे। एक तो आप लोगों ने काली का मंदिर, वो आप नाम सुना होगा कैलकटा में। ठीक है, तो काली के मंदिर के पास में इस तरीके के चित्र काफी बनते थे। तो कुछ तो वो व्यापारिक दृष्टि बनाते थे कि वहां जो दर्शक आते थे वो खरीद के भी ले जाते थे। दूसरा, वहां पे चूंकि सबको उस जगह पे काली मंदिर बहुत उनका महत्वपूर्ण, खासतौर से बंगाली लोगों का महत्वपूर्ण उनका एक धार्मिक केंद्र है, तो
तो वहां से दूर दूर से लोग वहां पे आते होंगे, ज्यादा लोग आते होंगे, तो इस तरीके वहां एक आर्ट जो चित्रकार थे इस तरीके की खास तरीके की विधा में काम करने वाले वो उस मंदिर की सराउंडिंग में रहते थे। तो वहां पे ये काली मंदिर पार बनते थे। और दूसरा वेस्ट बंगाल में एक और जगह है मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है ये, और वहां पर बनते थे। और इनकी थीम टोटली मैथोलॉजिकल विषयों पर होती थी। ठीक है, क्या नाम बताया दूसरी जगह का? मिदनापुर। ये डिस्ट्रिक्ट है वहां का है। और जब हम लोग उड़ीसा की बात करते हैं तो रघुराजपुर एक वहां पे गांव है, वहां पूरा का लगभग पूरी कम्युनिटी यही इसी तरीके का काम करती है। फिर ये इसमें जो मटेरियल यूज करते थे, चाहे वो उनके बेस तैयार करना, कपड़े का बेस तैयार करना हो, रंग बनाना हो, ये सारे के सारे ये उनके सेल्फ मेड होते थे। रंग भी वो प्राय वो खनिज रंग और वनस्पत रंग उसमें प्रयोग करते थे। और इनके जो चित्रकार हैं उनको क्या उनके लिए उस समुदाय के लोगों को पटुआ कहते थे। पटुआ मतलब जो चित्र बनाते हैं, तो उनकी कम्युनिटी को पटुआ समुदाय कहा जाता था। और जो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये लोग जगह जगह जाते थे, वो विजुअल डिस्प्ले करते थे और उस कहानी के आधार पर उसको गा के लोगों को सुनाते थे। तो वो जो जैसे भजन है, तो भजन की एक खास तरीके की शैली है, ये जो उसमें परफॉर्म करते थे जो गाते थे उसको उनकी भाषा में कहते हैं पतरगान। ठीक है, क्या बोलते हैं? पतरगान। ये जो बंगाल में पटचित्रों के बनाने की जो परंपरा की शुरुआत हुई तो कब हुई होगी इसके बारे में कुछ आइडिया है आप लोगों को? जसवंत जी सर, ये जो पटचित्र होते थे वो बंगाल की जो लोक कला होती थी उस पे आधारित होते थे, और वहीं की कहानियों से जो पौराणिक और जनजीवन की कहानी वहीं से प्रेरणा लेकर के ये पेंटिंग्स बनाते थे, और ये स्क्रोल पेंटिंग्स होते थे और इसको जगह जगह पर जाकर के परफॉर्म करते थे। इसको बनाने का उद्देश्य ही यही होता था कि जगह जगह पर जाकर के कहानियों को लोगों जन सामान्य को उससे परिचित करा सकें, इस वजह से बनाते थे। अच्छा, और वही टेम्परा कलर यूज करते थे। हाँ, और यामिनी राय वाली जो टेक्निक है सर, जैसे यामिनी राय जैसे बनाते हाँ, बड़ी बड़ी आंखें मतलब चेहरे से बाहर निकली हुई ऐसी। सर हम भी कालीघाट गए हैं, कालीघाट जाके देखा है मैंने ऐसा। कुछ हम विजुअल दिखा सकते हैं आपको इसके? जी सर।
दिखा दूं शायद और अलग हो जाएगा। जो आप यामिनी राय की बात कर रही थी, क्या इसमें दो पेंटिंग दिखने होंगी आपको? पेंटिंग दिख रही बेटा? ये इसमें एक तो जो इधर वाली, ये तो यामिनी राय की शैली इस तरीके की थी। दूसरा ये आर्ट फॉर्म ये है, अभी थोड़ा और अंदर निकाल के दूसरे चित्र दिखा देते हैं। थोड़ा ऊपर से दिखाइए तो सर दिख जाएगा। हाँ दिखाता हूँ। जो पश्चिम बंगाल में एक मैं बता रहा था मिदनापुर, ठीक है ना, एक ये है, ये पूरा का पूरा वहां पे गांव है। और अब वहां पे जो ये पटचित्र की टेक्निक थी उसको और ज्यादा व्यापक स्तर पर ये यूज करने लगे। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा एक ये पटचित्र है, एक कुछ बॉटल्स आपको दिख रही होंगी जो एक तरीके से डेकोरेटिव पॉट्स के रूप में यूज करते हैं, कुछ खिलौने हैं, काफी चीजें हैं जो इसको आज व्यापार, पहले इसका यूज क्या करते थे कि उनको परफॉर्म करने के लिए ले जाते थे, बनाते थे, उसको आज व्यावसायिक रूप इन्होंने दिया है। और जो आम लोगों में बहुत सारी चीजें हैं, बच्चों खिलौने वगैरह हैं, सब में वो इस तरीके की जो पटचित्र की टेक्निक है उससे सजा के उत्पाद, कलात्मक उत्पाद के रूप में पूरा का पूरा गांव की आबादी उसमें शामिल है। उड़ीसा में जो पटचित्र बने हैं, देखिए एक इसमें इमेज दिख रही है, इसमें जगन्नाथ टेम्पल की वो जो प्रतिमा है वहां को बनाया है। तो वहां पे जो बेसिकली इनकी जो थीम चेंज है उड़ीसा और बंगाल में, तो जो बंगाल की उनकी थीम है वो लगभग जो उनके धार्मिक मानता, जो वहाँ पे काली को सबसे बड़ा देवी के रूप में वहाँ पूजा जाता है, तो वो मैक्सिमम उनकी मैथोलॉजिकल जो स्टोरीज होती थी वो काली पर आधारित होती थी। ऐसे उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल है, तो वहाँ पे जगन्नाथ से रिलेटेड जो भी स्टोरीज नहीं होंगी उनको वो अपने स्कूल पेंटिंग्स में पेंट करते थे। एक देखिए ये सिंगल चित्र है, ये भी जगन्नाथ की थीम पे पूरा एक चित्र बनाया गया है। इसके जब हम अभी क्लास लेंगे, ग्रुप तो नहीं है ना, जिसने मुझे वो भेजे थे क्या कहते हैं असाइनमेंट, उनको मैं इसकी पीपीटी भेज दूंगा, उसमें और आप लोग डिटेल में उसको इसका फोटो सेंड कर देंगे सर, इसका फोटो मैं पूरी पीपीटी इसको आपको क्लास के बाद दे दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। ये चित्र दिख रहा है आपको क्या? ये बंगाल की जो की थी वो उस तरीके की उस पर बेस्ड है। और पास करो इसको, क्या दिख रहा? सर इसको थोड़ा ऊपर करके दिखाइए, थोड़ा ऊपर करके। अच्छा अब दिख रहा है? हाँ सर, हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है।
वो जो स्टोल की बात कर रहे थे, ये लोकल आर्टिस्ट वहां के, इस तरीके के बहुत बड़े बड़े कपड़े पे बनाते, स्टोल पेंटिंग को हिंदी कुंडली चित्र कहते हैं, ठीक है ना। ये देखो इसमें दो चित्र दिख रहे होंगे आपको, ये बंगाल प्रचलित शैली के हैं, इसमें काली के रूपों को उसमें दर्शाया गया है। सर दूसरा चित्र नहीं दिखा सर, एक ही चित्र दिखा। अच्छा एक ये दिखा, नहीं नहीं वो वाला हाँ ये जनरली तो जैसे वो स्कोर अभी पिछली स्लाइड में दिखाया था कि वो बहुत लंबे लंबे लेंथ के कपड़े बनाते थे, लेकिन कुछ चित्र सिंगल ही छोटे छोटे भी बनने लगे थे धीरे धीरे बाद, और वो कॉमर्शियल यूज के लिए, सपोज मंदिर पास कोई आया कोई खरीदना चाहे तो वो छोटे छोटे आकार के भी बना के बेचते थे। ये दो दो चित्र आप और देखिए फिर मैं इस पर डिस्कस करता हूँ। ये दिख रहा ठीक है ना, ये अब ये चित्र जो अभी तक दिखाते रहे उनमें कुछ डिफरेंस आपको लग रहा है क्या, जैसे बस क्या था जैसे ये सिद्धार्थी जी अभी जो बता रहे थे कि इनके जो सब्जेक्ट होते थे वो उनके जो स्थानीय रीत रिवाज थे, उनकी जो संस्कृति थी उसकी भी झलक मिलती है पौराणिक कथानकों के अलावा। तो ये जो चित्र है ये उस समय की उनकी संस्कृति में जो जो जिस तरीके के काल प्रचलन में रहे होंगे उनके रीत रिवाज रहेंगे उस पर आधारित है। जैसे ये उनके जो जो जिस तरीके की उनकी रूटीन लाइफ थी उससे जुड़े ये दोनों चित्रों में विषय वस्तु दर्शाई गई है। एक ये इस साइड वाला चित्र देखिए, ये मिदनापुर विलेज का है, वहां पे लगभग हर घरों में वो अपने प्रोडक्ट बना के सेल करने के लिए इस तरीके के एक तरीके आउटलेट टाइप बना लेते हैं, और उसमें ये डिफरेंट टाइप के जो चित्र है जैसे वो बता रहे थे एक तो स्कूल में बनते हैं और सिंगल पेपर पर भी बनाते हैं। कल दो तीन हमको वो असाइनमेंट आप लोगों ने भेजे थे तो टाइम तो नहीं मिल पाया, मैं था बाहर, लेकिन मैं चलते चलते दो एक दो पढ़े हैं। पिछली बार से इस बार आप लोगों ने ज्यादा अच्छे बनाए।
ये जो उस दिन हम लोग अजंता पे डिस्कस किए थे, है ना। अच्छा, और जो सबसे नृत्य चित्रों की बनाने की जो परंपरा अपने यहाँ बहुत पुरानी रही है और जो अभी तक साक्ष प्राप्त हुआ है, तो सबसे पुराने भित्ति चित्र कहाँ पे मिले हैं? भीमबेटका का योगी नहीं, वो महाराज, तो प्री हिस्टोरिक एज के हैं। वो तो ऐसा भित्ति चित्रण जो है योगी महाराज जो आपने जो इसके पूछा। हाँ ठीक है, जोगी बारा है। जोगी बारा आपको लोगों को मालूम है कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में जी सर, छत्तीसगढ़। हाँ, पहले मध्य प्रदेश में थी, लेकिन जब दो वो स्टेट दो हिस्सों में बांटा गया, तो आज की भौगोलिक स्थिति वो छत्तीसगढ़ में है। और वहाँ अमरकंटक के पास में ये गुफाएं हैं। अच्छा, ये सबसे हम लोगों पास पुरातन चित्रों को बनाने के साक्ष हैं। और इसमें और जो जैसे बात के चित्रों को बनाने का दूसरा जो फेस हम लोग कह सकते हैं, जो अजंता से शुरू हुआ और उसी प्रकार से बाद में दूसरी गुफाओं में वो ट्रेडिशन आगे बढ़ा, तो उनकी बनाने की टेक्निक में, इनकी बनाने की टेक्निक में बेसिकली क्या अंतर हम लोग पाते हैं? कुछ जानकारी है क्या सुनती? जी सर, जोगी मारा से मैं सर शुरुआत हुई थी भित्ति चित्रण की, तो इसलिए सर वहाँ पे मतलब सौंदर्य का और अलंकारिकता का अभाव वहाँ पे के चित्रों में है मतलब। और सर वहाँ पे मतलब खड़ी मतलब कोणीय रेखाओं का या ज्यामिति रेखाओं का प्रयोग कर चित्रांकन किया गया है जोगी मारा में, जबकि अजंता वगैरह में अलंकारिक रेखाओं का प्रयोग किया गया है। अलंकारिकता का प्रभाव और सौंदर्य का प्रभाव दिखता है, तो सौंदर्य संदर्भात्मक रूप से अलंकारिक रूप से दोनों में काफी अंतर है जो कि अच्छा, सर। वो जो जैसे अजंता में जो फ्रेस्को बनाया गया है उसमें ग्राउंड प्रिपरेशन उन्होंने की, उस दिन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे मिट्टी, गाय गोबर वगैरह दो तीन मटेरियल यूज करके सबसे पहले ग्राउंड बनाते हैं, तो इस तरीके की टेक्निक में भी वहाँ पर डिफरेंस है। उसको हम लोग जनता से के जैसे है या कुछ अलग है? हाँ सर, वहाँ पे मतलब डबल प्लास्टर लगा के चित्रण किया गया है, और सर कई जगह चूने से पोत के दोबारा से चित्रण भी पाया गया है वहाँ पे। वो डैमेज हुए होंगे, उन्होंने कई उसमें कई लेयर मिली है वहां पर, जब कई कई बाद में लेयर पता किया गया कि कई बार हो सकता है उनको ठीक उसमें करने नीचे के से भी लिए या जी चित्र दिख रहे हैं ऊपर। जी अच्छा, उनकी विषय वस्तु क्या थी जैसे अजंता में? विषय तो वस्तु की सर जैन जैन धर्म से जैन धर्म से संबंधित जोगी संबंधित माना के नहीं, जैन धर्म से संबंधित वहां चित्र मिले हैं। जी सर, नहीं सर, जैन जोगी धर्म से माना संबंधित कुछ लोगों का मानना है, लेकिन सही में तो वो सुष्णुका नाम की जो देवदासी थी वो जी वरुण देवता का मंदिर कहा जाता था, और उससे संबंधित सर, वहां के चित्र होते हैं। वृत्तशाला कहा जाता है। हाँ, और ये जैसे अभी तक जो सबसे पुराने भित्ति चित्र की जानकारी है कि उससे पहले के अभी बने हुए तो हम लोगों के पास साक्ष नहीं है, उसी प्रकार से ये सब भारत है, शायद सबसे पुरातन नाट्यशाला भी इसको कहते हैं, कहते हैं कि नहीं, सबसे जी पुराना सर, जी सर, नाट्यशाला। कहते हैं तो जो एक सिस्टमैटिक भित्ति चित्र बनाने की शुरुआत हुई थी वो हुई थी अजंता से, ठीक है, और वहां से शास्त्रीय कला की शुरुआत हुई। यहाँ पे जो कंपोजिशन की जैसे जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसमें तो ऐसी चीजें कुछ है, या क्योंकि बनाने के जो चित्रों का ढंग था वो कैसा था, कंपोजिशन का जो तरीका था उनका? जिन विषयों को वॉइस दे क्लियर नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो अजंता से शुरुआत हुई तो उसमें तो हमारे शास्त्रों में एक आदर्श चित्र की रचना के लिए जो गाइडलाइंस दी गई उसको पालन करके बनाया गया, तो और
इस प्रकार से अगर हम कंपेयर उनको कर रहे हैं जोगी महाराज गुफाओं के चित्र, तो वो इसके इसके जैसे है या उसमें कुछ दूसरा है तरीका उन्होंने अपनाया? नहीं सर यहाँ पे वैसे तैयारी करके और शास्त्रों के अनुसार जो लिखा हुआ है, एक चित्रकला का व्याकरण तैयार किया गया, उसके आधार पर चित्र नहीं हुआ है। यहाँ पे अलग तरीके से और अपनी समझ के हिसाब से बनाया गया है। जैसे बस तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, जैसे आपने जैन जैन से कहा तो कुछ लोग का ऐसा मानना है, लेकिन वो एक बहुत तथ्य परक नहीं है। इसमें का अजंता के बाद एक और नाम आता है बाघ की गुफा। बाघ की गुफाओं पे भी हम लोगों ने अभी चर्चा नहीं की है, और वहाँ पे तो अजंता शैली का ही प्रतिबिंब देखने को मिलता है। तो बाघ के जो चित्र हैं और अजंता के चित्र हैं, उनके बनाने के ढंग में कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है? सौरभ बाघ में जो भी चित्र बने हैं वो अजंता की जो नई जो गुफाएं हैं जो सबसे अंतिम में बनी है, वहाँ के चित्रों से ही मिलते जुलते शैली नजर आती है। जो अजंता की पुरानी गुफाएं हैं वहाँ से यहाँ की शैली थोड़ी अलग है। अजंता की जो नई गुफाएं हैं वहाँ रहती इस आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि बाघ में निसंदेह अजंता शैली को ही अपनाया गया, लेकिन वहाँ और अधिक उसको परिष्कृत रूप में वहाँ के चित्र को देखने को, और जो अलंकार प्रधान चित्र है वो तो और ही नया तरीके का वहां पर। अच्छा, बादामी गुफाओं के अजंता हो गई, बाघ हो गई, बादामी गुफाओं के बारे में कुछ बताइए। सर बादामी गुफाएं सर हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं सर, इसमें मतलब शिव शिव विवाह शिव से संबंधित चित्रण किया गया है, तो इसे वस्तु के नाम इसमें भी सर काफी मतलब अलंकारिकता दिखाई गई है बादामी गुफाओं में। ये भी मतलब इसका जो टेक्निक है वो अजंता की टेक्निक ही यूज की गई है। अच्छा, और सिगरिया में? सिगरिया में सर ये सिगरिया और ये लगभग समकालीन है बाघ के ही समय की, पांचवी सदी के आसपास की है, लेकिन वो फ्रेस्को बोलो में वहाँ पे काम हुआ है गीली पद्धति में। अच्छा, तो उनका बनाने का कुछ खास तरीका था? वो जहाँ तक की जानकारी है वो काफी हाइट पर चित्र बनाए गए तो जनरली, तो जैसे ये आप गीली चित्र भूमि पर बनाने का तरीका बता रहे हैं वो तो सही है, और उस तरीके के अपने यहाँ जो राजस्थान में बहुत सारे भित्ति चित्र हवेलियों में महलों में किलों में बने हैं उसमें आप बनाए, तो वहां से यहाँ में थोड़ा सा फर्क था कि यहाँ पे जैसे सपोज एक पूरी दीवार पर बड़ा सा पैनल बनाना, तो वो पूरी सरफेस को उसकी लेयर तैयार कर लेते एक बार में, लेकिन जो वहां पर सिगरिया में क्या करते थे, छोटे छोटे पैनल वो तैयार कर करते थे और उस पर बना के फिर दूसरा पैनल तैयार करते थे। वहां की मतलब पूरी बड़ी बहुत बड़ी दीवार है, तो पूरी सतह उन्होंने एक बार में यू तैयार नहीं की, छोटे छोटे पीसेस वॉल पर तैयार करके ग्राउंड सरफेस उसके बाद चित्र बनाते थे। अच्छा, वहाँ की जो जो बनाने का तरीका है, कंपोजिशन के स्टाइल है, रंगों के लगाने का ढंग है, वो बहुत कुछ अजंता शैली की झलक उसमें अच्छी खासी देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ के जो चित्र विषय थे वो किस तरीके के थे सिगरिया के? हाँ सर, वहाँ पे चित्रण विषय में वैसे तो बौद्ध कहा नहीं जा सकता है, लेकिन वो उसके समकालीन है इसलिए, और कुछ चीजें उससे संबंधित है इसलिए बौद्ध माना जाता है, लेकिन वहाँ पे तो बेसिकली मेघ कन्याओं का चित्रण हुआ है,
जो 21 21 चित्र मिले हैं मेघ कन्याओं के, तो बस यही चित्र वहां पे ज्यादा माने जाते हैं। वो बौद्ध धर्म से संबंधित कैसे हैं इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है सर। सर सिंगरिया में गीली भित्ति चित्र पर चित्रण किया गया है। और सर यहाँ पर नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। हेलो, आवाज आ रही क्या उधर? आवाज हाँ सर आ आ रही। रही? हाँ, बीच में नेटवर्क चला गया था शायद, हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो वहां के हम लोग, हाँ ठीक है, वहां के जो सिगरिया की गुफाओं के चित्रों की विषय वस्तु मैं जानना चाह रहा था, कौन बताएगा? खुशबू कुशवाहा जी, यस सर। आप बताइए, आप सिर्फ सुनते हैं बोलते कुछ नहीं? सर सिगिरिया के गुफाओं में ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर मेघ कन्याओं का चित्रण हुआ है, जिसमें 22 मेघ कन्याओं का अंकन हुआ है सर। इसमें आप ए गुफा बीच में हमको बोल ले दो, आप जो कह रहे थे यहाँ के जो विषय है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये जी किस सर, आधार पर आप कह रहे हैं? सर ये इस आधार पे है कि जब सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, जी तब वहां पे वो लोग गए और वहां पे उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को किया, और इसी के आधार पे बताया गया कि ये बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। और ज्यादातर सर यहाँ पे आकृतियां मेघ कन्याओं से संबंधित भी मिली हैं। नहीं, वो उनके जो चित्रों को बनाने का तरीका था, टेक्निक थी, वो जी तो बौद्ध कला से मिलती जुलती है, या हम कहें जी अजंता सर, शैली शैली से प्रभावित है। लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे उनके विषय वस्तु की, जैसे आप वहां पे लगभग 800-900 महिलाओं के चित्र मिले हैं, ठीक जी जी और उनके बारे में कुछ ऐसा कला समीक्षकों का मानना है कि वो उनके हरम की महिलाएं थी। हरम का मतलब जो उनका जो जी राज परिवार का मतलब जनान खाना होता है, जहाँ पे लेडीज रहती है, तो वहां पर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वो उनकी जो दासियां वगैरह थी उस तरीके की हैं। लेकिन कुछ एकाध चित्र ऐसा है, पहले तो ये है कि सारी सारी वहां पे जो चित्र मिले हैं वो लेडीज के, जी तो सर कुछ कुछ कला समीक्षकों ने कहा कि वहां के जो उनके हरम था, राजा कश्यप था, वो उनके हरम की वो महिलाएं हैं। कुछ कहते हैं नर्तकियों के वो चित्र हैं, ठीक है। लेकिन एकाध जगह पे एक ऐसा भी चित्र है कि दो तीन महिलाएं जा रही हैं और वो एक हाथ पे, जैसे मंदिर पूजा करने जाते हैं, हाथ में थाल वाल लिए हैं, कुछ पुष्प वगैरह रखे हैं, और उनकी जो ड्रेसेस हैं, जो उनके हेयर स्टाइल हैं, तो वो लगभग जो राजसी वेशभूषा या उनका जो रहन सहन होता है, जो जिस तरीके की ज्वेलरी पहनते, उनके भी चित्र हैं। तो वहां पर तो कला समीक्षक एक मत नहीं है कि वो सबकी सब उनकी दासियों या नर्तकियों के चित्र मिक्स है, लेकिन ये जरूर है कि सारी सारी लेडीज फिगर है। बनाने के जो तरीका है, जो उनका कंपोजिशन स्टाइल है, कलर ट्रीटमेंट है, टोनल इफेक्ट है, शैली है बनाने की, जैसे टेम्परा शैली के यूज किया गया, उतना बनाने का ढंग है, लेकिन विषय वस्तु अलग है, ठीक है।
और इसके बारे में क्या जानकारी, किस राजा के शासन काल में इसका डेवलपमेंट हुआ? और तो जहाँ धातुसेन ने बनवाया था, कश्यप प्रथम के समय में शुरुआत हुआ था, लेकिन धातुसेन ने चित्रण करवाया था, गुफा को कश्यप प्रथम ने बनवाया था। अच्छा, ये क्या गुफाएं ही थी या ये कोई किसी दूसरे पर्पज के लिए वो जगह पहले बनवाई गई थी और यूज भी हुई है? सर इसके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन ये स्टोरी पता है उसके पीछे की, कि कश्यप प्रथम जो था उसको उसके पुत्र धातुसेन ने दीवारों में चिनवा दिया था, फिर उसके बाद बहुत उसको पछतावा हुआ था, तो फिर वो बौद्ध धर्म के शरण में गया था, तो उसको ये सलाह दी गई थी कि आप जो है गुफा को चित्रित करवाइए, या मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि वो पश्चाताप कर वहाँ पे चित्र वगैरह करवाया था। अब जैसे अजंता में है तो वो तो चाहे उनके बरामदे हो, खम्बे हो, सीलिंग हो, और सब जगह चित्र बनाए गए हैं, ठीक, लेकिन ये चित्र काफी हाइट पर बनाए गए, तो इसके पीछे कुछ बताइए ऐसा क्यों उनको करना पड़ा? को बनाने का क्या उद्देश्य था उसमें, सर वो आप ही बता दीजिए सर क्या है, नहीं पता सर उसके बारे में। अच्छा, और कल्पना जी आप बताइए। सर ये इतनी लंबी क्यों बनाई गई है, ये तो बुक में तो नहीं पता। अच्छा, अन्य आकृतियों से जो पहले पाई गई है उनसे तो लंबी बनी है, और लंबी है इसीलिए इनकी खासियत भी है, पर किस लिए बनाई गई ये नहीं पता। अच्छा, जसवंत जी आप कुछ बता दीजिए। सर इसमें सर देवी रूप मतलब दिखाने के लिए आकृतियों में कई जगह आकृतियों के पैरों का चित्रण नहीं करके उनकी जगह बादल बना दिए गए हैं, ताकि एक आभास हो कि हाँ आकृतियाँ ऊपर की ओर आकाशीय विचरण कर रही हैं, इस टाइप से उनको इस तरह से पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए, इसके लिए ऊंचाई और बादल बना के उनके पैरों को नीचे ना बना के उनको देवी रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है, इसलिए अप्सरा या मेघ कन्याओं के रूप में दिखाने के लिए ऐसा चित्रण किया गया के रूप में। क्या मतलब जी, जो हाँ, जो आकार जैसे बहुत सारे धार्मिक सीरियल वगैरह भी देखे होंगे, उसमें आकाश से पता लगा वो नारद बुद्धि मिश्रा करते हुए चले आ रहे क्लाउ, तो उस तरीके की नवचर है, यही कारण था उनके पीछे। अच्छा, और कोई ऐसा टॉपिक बताइए जो आप लोगों ने पढ़ा तो सर कुछ है, जो किसी एक टॉपिक वैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपस में कि उस पर कि और ज्यादा जानकारी दे। सिद्धार्थ जी आपका कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा प्रिय रहा भारतीय चित्रकला में? मुझे सर वो समकालीन आर्टिस्ट के बारे में पढ़ना सही लगता है। अच्छा, समकालीन आर्टिस्ट के बारे में पसंद है, कौन से आर्टिस्ट पसंद रहे हैं? ऐसे कोई मतलब स्पेशल नहीं, हाँ जितने मॉडर्न मॉडर्न आधुनिक भारतीय कला के बाद से जो फेज शुरू होता है उसमें के आर्टिस्ट के बारे में पढ़ना सही है। अच्छा, अमृता शेरगिल और राजा कवि वर्मा, इनको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? सर वो दोनों लोगों का एक कॉमन, उन लोगों में बात कॉमन थी ये कि दोनों लोगों की स्टाइल जो थी मतलब वो थी वेस्टर्न और विषय भारतीय था सर दोनों लोगों की। और दोनों की टेक्निक में क्या फर्क था प्रस्तुति के नाम? अमृता सेन के भी कुछ तो चित्र देखे होंगे ना, जो भाई जसवा जी हाँ बताइए। वो महिलाओं का चित्रण उनका ज्यादा पता है, सामाजिक सामाजिक विषय महिलाओं कौन? अमृता सेन महिलाओं, अमृता सेन की में उदासीन महिलाएं होती थी उनकी, मतलब
उनके चित्रण में और उनके जो कलर थे, फॉर्म जो होती थी वो भी सब मतलब एक उदासीन या एक दुख का भाव प्रकट करती थी, महिलाओं का शोक या दुख का भाव उदासीन महिलाओं को करती थी। वरना बाकी सर वो सामाजिक विषय के भी चित्रित करती थी, पर उनका जो मुख्य विशेषता थी उनकी वो महिलाएं का चित्रण, और वो भी मतलब एक चित्रण को उनका जो कलर फॉर्म थी और जो उनका वो एक उदासी वक्त उनका दुख उनकी। ये एक्चुअली होता है, उन्होंने हम लोग उसको अगर एक सब सेंटेंस में बोलना चाहें तो उन्होंने जन सामान के प्रसंगों को अपना चित्रण विषय बनाया, ठीक है। अब वो चाहे वो श्रृंगार करती हुई महिलाएं हो, चाहे वो मछली बेचने वाली हो या कुछ श्रमिक हो, आम जन जीवन के विषयों को उन्होंने चुना था। उसी प्रकार से जब हम राजा रवि वर्मा से कंपेयर करें तो उन्होंने कैसे विषय लिए थे, तो उनके से पौराणिक विषय रहे उनके विषय थोड़े राजसी और पौराणिक थे, और बहुत रियलिस्टिक काम करते थे, ठीक है ना, जिसको हम लोग आज कैलेंडर आर्ट कह सकते हैं कैलेंडर कार्ड कहते हैं। अब जैसे इन्होंने सिद्धार्थ जी ने बताया कि दोनों की जो टेक्निक थी चित्र को बनाने की वो वेस्टर्न थी, यही दिखा ना तो सिद्धार्थ जी, लेकिन ट्रीटमेंट में दोनों का फर्क है। वो रियलिस्टिक टाइप का बनाते थे और अमृता शेरगिल ने भी जो टेक्निक कह लो या मीडियम कह लो आई कलर में दोनों लोग काम करते थे। इन्होंने बहुत ही सिंपल फॉर्म में बहुत ज्यादा डिटेल वर्क नहीं किया, अमृता शेरगिल की ये खासियत थी। इस प्रकार से और कौन से ये समकालीन आर्टिस्टों में और किसी का काम पसंद है आपको? वो सारे आर्टिस्ट जो मतलब मूर्त अभिव्यंजनावादी जो जितने भी आर्टिस्ट हैं, किसी एक का नाम लीजिए। तैयब मेहता है सर, और सुजा भी है, और केके है, बार है, आरा है, गायत्री, ये जितने भी आर्टिस्ट जिनका अमूर्त सर। अच्छा ठीक, आरा का आपने लिया, सूजा का नाम लिया, नॉन फिगरेटिव वर्क जो सर करते थे, ठीक मतलब ठीक अनाकृति मूलक अनाकृति एब्स्ट्रैक्ट, ये किसी एक खास ग्रुप से जुड़े रहे। दो नाम तो आपने लिए आरा और सूजा है, सर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप भी उसमें थे पैग से। तो प्रोग्रेसिव आर्ट कब शुरू हुआ था और इसका इनका उद्देश्य क्या था? ये 1947 में सर इसका प्रारंभ 1947 में हुआ था, और फिर इसका उद्देश्य था कि कलाओं में जो भी मतलब कि आर्ट जो ये ग्रुप है उसमें जो भी आर्ट से ग्रुप से संबंधित चीजें होती हैं, मतलब उसको प्रोग्रेस करना, उसको आगे बढ़ाना, इनका मुख्य मकसद यही था कि जो भी कलाएं हो रही हैं उनको आगे बढ़ाना। शुरुआत में बहुत कम आर्टिस्ट इससे जुड़े हुए थे, उनके कुछ के नाम बताएं, दो तो आपने बता दिए। इसकी शुरुआत जो है ना सूजा और रजा ने मिलकर के की थी, शुरुआत सूजा और रजा ने इसके बारे में सोचा, बाद में सूजा रजा के चारा उसके बाद फिर के और आगे उसमें जोड़ा था हुसैन की भी एक्सिडेंट, गायतोंडे हुसैन भी जुड़े थे क्या सर? एम एफ हुसैन ने सूजा रजा गायतोंडे कोई ऐसा आर्टिस्ट बताइए जो इस ग्रुप से जुड़ा रहा हो पहले और अभी नहीं जिंदा है। थोड़ा क्लू भी मैं दे दूं, उनकी जो काम करने का ढंग है शैली, एक पूरा फिल्म बनाई गई थी इसी ग्रुप के नाम लीजिए तो आ जाएगा। अभी भी वो वर्किंग कंडीशन में है, काम करता है, बहुत अच्छा काम होता है। किशन जी मिश्रा जी आप ही के नवादा से, कैसा रहा
किशन खन्ना नाम सुना है कि नहीं? अच्छा कृष्ण खन्ना, जी सर, जी सर। उनका काम देखा है? जी सर। तो वो अभी वो उस ग्रुप से जुड़े रहे अभी भी है? लेकिन है तो उसी के एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो इनका इनका कुछ काम देखा है क्या सर? वो बैंड वाला सीरीज बनाया थे, बैंड वाला इनकी भी मैं एक्टिविटी आज शेयर करूंगा आपसे। और इनका काम देखना बहुत अच्छा है और इनका कानपुर से भी रिलेशन रहा है। कानपुर में एक बैंक हुआ करती थी, ग्रेट लाइन्स बड़े चौराहे पर। कानपुर के कुछ लोग हैं इसमें जो कानपुर रहते हैं? जी सर। आप कहाँ रहते हैं? कानपुर? नहीं सर, रहे हैं काफी समय कानपुर। अच्छा, तो बड़े चौराहे पे एक जहाँ पे जेड स्क्वायर है वहाँ पे एक बैंक हुआ करती थी, ग्रेट लेस में। जी सर। उसमें करीब 11 वर्ष उन्होंने नौकरी की। उसके बाद वो फिर दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और बेसिकली ये पंजाब में होशियारपुर के रहने वाले थे। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद इस फील्ड काफी अच्छा काम किया है। और कौन सा आर्टिस्ट पसंद है, किसका काम? बंगाल शैली के कुछ आर्टिस्ट बताइए। सर अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, चितिननाथ मजूमदार, सुधीर रंजन खास्तगीर। अच्छा, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था बंगाल चित्र शैली में, किस तरीके के काम करते थे? टैगोर ने वॉश पेंटिंग का प्रारंभ किया था, लेकिन कई मतलब ऐसे भी कलाकार कुछ थे जिन्होंने अपनी अपनी टेक्निक से भी कार्य किया है। उसमें कोई एक नाम नहीं है जैसे नंदलाल बोस ने भी? या सबसे अच्छा उदाहरण तो हमको लगता है यामिनी राय का हो सकता है। यस सर, यामिनी राय ने किया है। वो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो आगे आर्ट फॉर्म डेवलप की वो टोटली वहाँ की जो बंगाल की फोक आर्ट थी उसकी टेक्निकली मोटिव्स अपने डाले और उसको और इम्प्रूव करके उसी में काम करते रहते, ठीक है ना? तो बंगाल चित्र शैली के बारे में और कुछ जानकारी है आप लोगों को? इसको बंगाल चित्र शैली क्यों कहते हैं? और एक इसी के साथ एक और नाम आता है, भारतीय चित्रकला का पुनर्जागरण। हाँ सर, मैं बंगाल सर क्या किया? जी बोलिए। मुंबई में भी हुआ था सर उसी समय में, बाहर वो जय महिवासी वगैरह और कलाकार लोगों के साथ में दिया था। नहीं, हम पहले तो ये पूछ रहे बंगाल चित्र शैली किसको कहते हैं, उसकी क्या खास? बंगाल चित्र शैली सर उसमें ये था कि जब मतलब पाश्चात्य कला का प्रभाव ज्यादा पड़ चुका था पूरा, मतलब पाश्चात्य कला से जो उसकी पाश्चात्य टेक्निक को जब हावी होने लगी, तो फिर अवनींद्रनाथ टैगोर ने फिर भारतीय शैली का विकास के लिए मतलब भारतीय विषयों को चुना और एक वाश टेक्निक जल रंग को लाए, वो जल रंग का विकास किया और उसके उससे मतलब एक प्रभाव जो दिखाया जैसे ऑयल टेक्निक को हटा के उन्होंने जल रंग को स्थायित्व दिया, जल रंग को, और उससे एक वाश टेक्निक विकसित हुई। वो एक अलग तरीके की टेक्निक थी जिसमें कि काम किया गया और इसे मतलब एक भारतीय विषयों को लेके जो एक नई जिज्ञासा जागी, जो एक पुनर्जागरण हुआ समाज में भारतीय विषय, भारतीय टेक्निक, भारतीय शैली पर चित्रण शैली को लेके, इसीलिए इसको पुनर्जागरण कहा गया कला का। फिर इसमें धीमे धीमे सर जैसे नंदलाल बोस हुए, यामिनी राय हुए, ये सब अपनी एक नई उसी टेक्निक को लेके अलग कार्य करने लगे,
तो सर उसे सर फिर नौ बंगा नौ पुनर्जागरण काल का, जैसे कि जिसमें गगनेंद्रनाथ टैगोर जी और इन लोगों ने एक अलग उसी उस इस बंगाल टेक्निक से भी बाहर निकल के फिर उन्होंने इसमें काम करना चालू किया। तो उसने सर यही टेक्निक का यूज किया, पर उन्होंने अपनी चीजें अपने मोटिव से अपनी टेक्निक अलग एक विकसित करी। देखो थोड़ा हम भी बोल रहे हैं इसमें कि देखो निसंदेह हम लोग पास अभी बहुत सारे आर्ट्स कॉलेजेस हैं जिनमें कईयों की ब्रिटिशर्स ने शुरुआत की थी, ठीक है ना, इससे एग्री है ना। अब इनको ऐसे कला विद्यालय स्थापित करने का इनका क्या रीजन रहा होगा या क्या उद्देश्य रहा होगा? देखो एक एक बात से तो आप लोग एग्री होंगे कि भारतीय जो कला है चाहे वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, चाहे चित्रकला हो, चाहे मूर्त कला हो या वास्तुकला, अपने आप में एक नायाब तरीके की है, ठीक है ना। जैसे एक सेंटेंस आप लोगों ने सुना होगा कि भारत सोने की चिड़िया थी, कहते हैं ना, तो ऐसा क्यों कहा जाता था कि हमारा देश वो सोने की चिड़िया? ऐसा नहीं कि हमें बहुत सारा पैसा था, बहुत ज्यादा संपत्ति है, इसलिए कहा जाता सोने की। हमारे देखो जो हमारा धार्मिक स्वरूप है, हमारे जो रीत रिवाज है, और चाहे वो हमारी जो कलाओं के विभिन्न रूप थे, ये इस दिशाओं में हम लोग बहुत अग्रणी थे, हम बहुत परिष्कृत टाइप के थे। तो बेसिकली जब अंग्रेज भारत में आए तो हमारी यहाँ की कला को बहुत उन लोगों ने देखा, और ये हम लोगों के जो भारत में आए थे किस तरीके आए थे, व्यापारियों के रूप में तो आए थे कि हमें व्यापार करना है, ठीक है ना, इससे एग्री है ना। तो शुरुआत तो ये व्यापार ही करते रहे। अब व्यापार तो इनका मुख्य था, धीरे धीरे वो यहाँ की वो दूसरा डायरेक्टर कि किस तरीके से ये हमारे यहाँ के शासन प्रणाली में दखलंदाजी करके धीरे धीरे हावी हो गया और यहाँ हमारे यहाँ पे शासक बने थे, वो एक अलग की बात है। तो जब ये अंग्रेज आए तो थोड़ा स्वाभाविक रूप से ये इन लोगों का कलाओं के प्रति थोड़ा साफ कॉर्नर होता है, इनको शायद ज्यादा रुचि लेके ये उसको जाते। तो यहाँ आए, यहाँ की कला को देखा तो उनको बहुत पसंद आई। तो शुरुआत में तो इनको जो जरूरत थी कि हम अपने व्यापार को कैसे बढ़ाएं, ठीक है। अब बढ़ाने के लिए ये हो सकता हम उसका मास प्रोडक्शन करें और उसका सेल भी हमारी ज्यादा बढ़े। अब सेल के लिए हमें, हम मान लीजिए कानपुर में कोई फैक्ट्री लगाए, हमें पूरा ऑल ओवर इंडिया या बाहर भी अगर हमें उसके साथ ज्यादा से ज्यादा हम सामान भेज पाएंगे तभी हमारी बिक्री बढ़ेगी, तभी हमारा मुनाफा ज्यादा बढ़ेगा। तो इनको अपने व्यापारिक गतिविधियों को विस्तार देने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत बेहतर करना था, तभी हम एक जगह से का अपना जो उत्पाद है वो दूसरी जगह पे आसानी से और कम समय में पहुंचा पाएंगे और हम ज्यादा अपने सेल बढ़ा पाएंगे। तो शुरुआत में इनको रोड बनाने के लिए और रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए इनको सर्वेयर चाहिए होते हैं, ठीक है। सर्वेयर मतलब सिविल इंजीनियर जिनको कहते हैं, ऐसे कर लो, ठीक है, जो इनका सर्वे करके बता दे कहाँ से रोड बनेगी, कहाँ से पुल बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये सब चीजें जो होते हैं ये चाहिए थे। तो शुरुआत में तो इस तरीके के इन्होंने इंस्टीट्यूशन खोले कि जहाँ पे इस तरीके के हम प्रशिक्षित लोगों को तैयार कर पाए जो हमारे ये मुकामों में आगे बढ़ाए। दूसरा एक कारण ये था कि हमारे, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमारे यहाँ की कला अपने आप में एक अलग महत्व तो रखती है जब हम पूरे विश्व कला पटल पे इसको देखते हैं। तो यहाँ की बहुत सारी, जैसे वहाँ के अंग्रेज आए हमारे यहाँ और फिर जब कभी अपने वापस देश जाते थे तो यहाँ की कुछ कलाकृतियां अपने साथ वो ले जाते थे।
और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि वो तो वहाँ बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है। अब यहाँ तो वो औने पौने दाम में खरीद ली या कहीं से जैसे कर ली, मान लीजिए हम यहाँ कोई कलाकृति बहुत पसंद आए, अब खरीद ली 10 रुपए की, 100 रुपए की, जो भी। जब वहाँ गए स्वाभाविक लोगों ने जब वहाँ पे देखा उनको, तो उनको भी बहुत पसंद आए। तो धीरे धीरे वहाँ पे उस तरीके की कलाकृतियों की डिमांड बढ़ी। अब एक उद्देश्य इनका ये था कि हम, क्योंकि हमारे ओरिजिनल कलाकृति तो हमारी एक ही होगी, ठीक है ना, तो उसकी हम प्रकृतियां कैसे तैयार करें कि हम वहाँ पे, यहाँ पे कम पैसे में बनवा के हम वहाँ जाए। तो ये तो एक तरीके से उनका साइड बिजनेस होता है कि हम यहाँ पे 10 रुपए जो चीज खरीदते हैं, हमारा तो वहाँ पर 1000 रुपए में खरीदने बैठे हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, जैसे इनको एक दो कामों की जरूरत थी। एक तो हम कोई कलाकृति की रिप्रोडक्शन कैसे करवा पाए, दूसरा जो उनको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए रोड्स और रेलवे ट्रैक्स तैयार करने की सर्वेयर चाहिए। तो शुरुआत में इन्होंने ये जो जिनको हम आज कला विद्यालय कहते हैं ब्रिटिश पीरियड के, इन्होंने इस तरीके के स्किल्ड पर्सन तैयार करने के लिए खोले थे। अब वहाँ पे जो सपोज अब हम लोग रोड और रेलवे ट्रैक छोड़ के कला पे आ जाते हैं, इन्होंने इनका उद्देश्य क्या था कि हमें एक जैसी एक कलाकृति की खूब हो उसकी नकल ज्यादा ज्यादा बनवानी। अब इन्होंने वहां पे जो सिलेबस डिजाइन किया तो उनका उद्देश्य क्या था कि हमको इनको एक ऐसा हुनर दें कि हम जो चीज दें वैसे ही हमको हूबहू बना के वो देते। वहां पे उनका उद्देश्य यही था, ना कि हमारी यहाँ की कला की जो मौलिक पहचान रही, जो ओरिजिनलिटी रही है कि मौलिक क्रिएशन, तो वो तो रचनात्मक क्षमता के विकास के लिए वो इस तरीके के इंस्टीट्यूट शुरू नहीं खोले थे, वो अपने जरूरत के लिए खोले थे कि हमें ज्यादा ज्यादा एक जैसी चीजें ये लोग बना पाए, वो हुनर इनको डेवलप करना था। वहाँ की जो पढ़ाने की पद्धति थी वो भी ऐसी थी कि सपोज आप लोग स्टिल लाइफ तो किए होंगे ग्रेजुएशन वगैरह में, है ना। स्टिल लाइफ में आपको क्या करना होता है, आपको जो सामने रखता है वो वैसे बनाना होता है, ठीक है। उसमें आपका ओरिजिनल क्रिएशन नहीं है। जैसे रूस सिद्धार्थ जी ने बताया कि हमको कंटेम्परेरी आर्टिस्ट की पेंटिंग ज्यादा पसंद है जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जिसमें होती है, ये इनकी पसंद है, ठीक है। तो अब यहाँ पे उन्होंने जो कला दी वो आप स्टिल लाइफ तो वैसे ही बना दे, लेकिन आप में उसका मौलिक ओरिजिनल या खुद का क्रिएशन तो नहीं है। अब ये एक नाम आप लोग इस तरीके की कला पद्धति अंग्रेजों के द्वारा विकसित की गई थी, जो पुराने आर्ट्स कॉलेजेस हैं उनके समय के स्टैंडर्ड के लोग। अब एक नाम आप लोगों ने और सुना होगा, ईवी हैवेल का सुना है ना? यस सर। ईवी हैवेल का क्या कंट्रीब्यूशन था जिस पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि बंगाल चित्र शैली किसको कहते हैं और पुनर्जागरण कालीन कला किसको कहते हैं, उस दर से ईवी हैवेल का भी क्या भूमिका थी वो बताइए। सर ईवी हैवेल पहले मद्रास आर्ट कॉलेज में प्रिंसिपल थे। हाँ, उसके बाद कलकत्ता में प्रिंसिपल बन गए। मद्रास आर्ट कॉलेज में प्रिंसिपल थे सर, और उसके बाद फिर अब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कलकत्ता में प्रिंसिपल हो जाते हैं। तो जब वो वहाँ पे प्रिंसिपल होते हैं तो उन्हीं को ये बात समझ में आती है सबसे पहले कि जो भारतीय कला खो रही है उसको दोबारा से उसको पुनर्जीवित करना चाहिए, और उसी के लिए वो अवनींद्र नाथ को प्रोत्साहित करते हैं कि खो रही जो भारतीय कला है उसको दोबारा से शुरू करने का प्रयास कीजिए। तो उन्हीं के कहने पर अवनींद्र नाथ टैगोर जो है बंगाल स्कूल की स्थापना करते हैं, मतलब एक नए आर्ट मोमेंट की शुरुआत करते हैं जिसमें दोबारा से अजंता के भित्ति चित्रों से प्रेरणा लेकर के और भारतीय जो क्लासिकल आर्ट है उसको दोबारा से शुरू करते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का प्रारंभ होता है। और उन्हीं के निर्देशन में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट, बाद में अवनींद्र नाथ टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में प्रिंसिपल बनते हैं,
उनके निर्देशन में बहुत सारे आर्टिस्ट जो है जैसे नंदलाल बोस, जितेंद्रनाथ मजूमदार, सत कुमार अलदार, ये सारे आर्टिस्ट उन्हीं के निर्देशन में वॉश टेक्निक में काम करते हैं, तो उसी को बंगाल आर्ट पब्लिश करते हैं। सिर्फ ये यहाँ पे आपने बताया कि टेक्निकली उन्होंने अपने आप को चेंज किया, उन्होंने सिलेबस ऐसा डिजाइन किया जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो धार्मिक स्वरूप है उसको बचाने के लिए हम किस तरीके के, और जो खासतौर से हमारे देश की कला की पहचान रही कि मौलिक रचना जिसको हम ओरिजिनल क्रिएशन कहते हैं, उसको कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, इस तरीके के प्रयासों को जब इन लोगों ने ईवी हैवियल ने अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर उस मूवमेंट को आगे बढ़ाया था, तो वहाँ पे इन्होंने विषयों का चयन भी ऐसा किया जिसमें हमारी संस्कृत झलक रही हो, हमारा सामाजिक ताना बाना दिख रहा हो, हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो दिख रही हो, इस तरीके से। और क्या है इसमें बताएंगे, पुनर्जागरण के बाद क्या सिचुएशन है? जैसे कि हाँ बोलने सर सर नौ बंगाल कला आती है सर, नौ नौ बंगाल कला इसी में इसी का और उसकी क्या खासियत सर उसमें सर, मतलब ये जो गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, इन लोगों ने ये एक नौ बंगाल कला सर आई, उसमें सर मतलब ये वाश टेक्निक जो एक बंधा हुआ कार्य हो रहा था, जो वाश टेक्निक ही विधा में कार्य करना है या जल रंग में ही कार्य करना है, या कि जो इससे सर बाहर निकल के सर टेम्परा में मिक्स माध्यम में या कि और भी अन्य प्रयोग किए गए नव बंगाल में, जिसमें भारतीय विषयों और चित्रण वगैरह ये सब भी शामिल हुआ। देखो जल रंग की दो पद्धतियां हमारे यहाँ अपनाई जाती है, एक तो टेम्परा थी ठीक है, और दूसरी थी वाश टेक्निक। आप लोग जैसा बता रहे वाश टेक्निक क्या मूल रूप से हमारे देश में विकसित हुई या कहीं की कला थी वो उसको हमने अपनाया और अपने जापान की कला थी, जापानी कला, जापान और चीन। अच्छा वाश टेक्निक और इसमें टेम्परा में क्या बेसिक डिफरेंस है? सर टेम्परा जो है उस वो सर पारदर्शी कह सकते हैं, और वाश टेक्निक जो है वो पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, अपारदर्शी होती है जी, अपारदर्शी होती है, और वास्ट टेक्निक ट्रांसपेरेंसी होती है। दोनों की कुछ और खासियत बताइए सर। टेम्परा में वो सर वो खनिज रंग का प्रयोग होता है सर टेम्परा, और सपाट रंग लगाए जाते हैं, और वॉश टेक्निक जो है वो भारतीय तो है नहीं, जापानी और चीनी तकनीक है ये, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है और कलर को, इसमें कलर का धूमिल एक आभा दिखाई देती है धूमिल, और वो जो चटकपन होता है वो टेम्परा में होता है क्योंकि वो खनिज में होता है सर। बंगाल चित्र शैली के और कुछ प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हो जिनका काम आपको अच्छा लगता हो, ऐसे कोई है एक दो नाम? कैला जी आज आप बहुत चुपचाप बैठे हैं, आप बोलिए कुछ। जी सर। हाँ बोलिए। बंगाल चित्र शैली के बारे में क्या पढ़ाया आपने? सर बंगाल चित्रशैली के बारे में सर हमने नहीं पढ़ा था, हमने बस मुगल और पहाड़ी राजस्थानी के बारे में सर पढ़ा था। अच्छा और कौन बोल रहे? कल्पना चौधरी जी आप बताइए। सर बंगाल स्कूल की शुरुआत जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर से मानी जाती है, तो उन्हीं का ज्यादा वर्क तो सर अवनींद्रनाथ से ही रिलेटेड है, आगे जो उनके शिष्य थे उन्होंने आगे इस शैली का विकास किया।
रवींद्रनाथ टैगोर के अलावा और कुछ नहीं है उसमें क्या? कुछ और बंगाल चित्रशैली के कुछ ऐसे कलाकार भी जिनका भूत कला के क्षेत्र में काफी अच्छा काम था, काफी सर रामचंद्र दास, डीपी राय चौधरी, ये लोग हैं काफी अच्छे मूर्तिकार। अच्छा दीपिका चौधरी किस तरीके के काम करते थे, उनके जो बनाने का ढंग था मूर्तियों का? कोई ऐसे चित्रकार भी थे बंगाल शैली के अंदर जिन्होंने म्यूरल पे भी काफी काम किया? हाँ सर, विनोद बिहारी मुखर्जी ने भी किया है, नंदलाल बोस ने भी किया है म्यूरल पे। विनोद बिहारी मुखर्जी ज्यादा जाने से म्यूरल पे। अच्छा ठीक ठीक ठीक, दो दो नाम है, विनोद बिहारी मुखर्जी और नंदलाल बोस आप बोल रहे हैं ना? यस। इन दोनों की कुछ वर्क देखे हैं भित्ति चित्रों के? मेडिकल सेंटर वो शांति निकेतन की दीवार पर बनाया विनोद बिहारी मुखर्जी ने, मेडिकल सेंटर मध्यकालीन। हमको ये जानना चाह रहे थे कि नंदलाल बोस का काम करने का अपना अलग, विनोद बिहारी मुखर्जी के जो म्यूरल हैं वो अलग तरीके के, तो दोनों में क्या डिफरेंस रहा? सर विनोद बिहारी मुखर्जी का काम थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट वे में था, मतलब वो जो अभिव्यक्ति वाला उनके अंदर जो जो जैसे वो जो सोचते थे वो बनाते थे, थोड़ा सा वॉश टेक्निक से अलग हट करके वो काम करते थे, थोड़ा सा अलग काम था, थोड़ा सेमी एब्स्ट्रैक्ट। हाँ हाँ सेमी एब्स्ट्रैक्ट। और नंदलाल बोस का सर वो एकदम से उनका परंपरागत बंगाल शैली के कलाकार थे जिन्होंने जीवन पर्यंत बंगाल शैली में ही काम किया था। अच्छा इन सबके बीच में अभी आपने नाम भी लिया था शुरुआत में चर्चा कर रहे थे, रवींद्रनाथ टैगोर, ये किस तरीके के चित्रकार थे? कवि के क्षेत्र, कवि भी कहा जाता है, चित्रकार भी कहा जाता है, तो इनकी कृतियों को, चित्रों को अगर हम मूल्यांकित करना चाहें तो इनको किस श्रेणी में रखना पसंद करते हैं? अभिव्यंजनावादी कलाकार जैसे बहुत सारे चित्र। हाँ बोलिए बोलिए क्या लगता है सर? अवनीनाथ सर को सर इनको भारतीय मतलब इनको वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का कलाकार कहा जाता है ऐसे, क्योंकि एक उस टाइम पे कोई भी आर्टिस्ट सर ऐसा नहीं था जो स्वतंत्रता आंदोलन पे पेंटिंग बना, क्योंकि कोई भी विवादों में सर नहीं आना चाहता था, बट ये एक ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने भारत माता पेंटिंग बना करके अलग ही लोगों में उत्साह भर दिया था स्वतंत्रता के प्रति, तो इस वजह से। नहीं हम और हम इसको भी जानना चाह रहे थे कि इनका कंपोजिशन तरीका क्या था, बहुत जगह पे जैसे ये कुछ लिख रहे हैं कुछ कुछ वर्ड गलत हो गए उसको काट दो, उसमें भी कुछ चित्र बना लेते हैं। प्रेरणा लेकर के अजंता वाली स्टाइल में सर पेंटिंग बनाई है जब, और भारतीय जो क्लासिकल आर्ट है उससे प्रेरित होकर। भारत माता चित्र किसका था सर? रवींद्रनाथ टैगोर का। हम इन लोग बात तो रवींद्रनाथ टैगोर की क्या बात? जी सर आप रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछ रहे हैं, वो रवींद्रनाथ टैगोर सर मतलब आधुनिक कला शैली के चित्रकार कहे जाते हैं सर। वो कल्पनाओं के आधार पर चित्र बनाते थे, जो उनके मन में ऐसा था, जैसे कि वो पहले से मतलब कुछ भी उनकी सोचना या कुछ ऐसी पृष्ठभूमि नहीं थी, उन्होंने बस अपने आत्मसंतुष्टि, आत्म अभिव्यक्ति और आत्म मनोरंजन के लिए ही उन्होंने चित्रांकन कार्य किया। उनकी बस कल्पनाओं के बल, जैसे एक अल्हड़पन या कह दिए कि जैसे कि बचपन में या जैसे कोई बालक का चित्रण, बालक कोई चित्रण करता है चाइल्ड आर्ट के अंतर्गत, बालक कोई चित्रण करता है ऐसे कुछ भी बनाता है वो, फिर उसके बाद बस उसको आनंद आता है बनाने में, और बस वो बस दूसरे समझाना नहीं चाहता कि वो क्या बना रहा है, बस वो बना रहा है,
क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है, स्वयं को अच्छा लग रहा है, इसलिए अभिव्यक्ति चित्रण करते थे वो, मतलब अपनी स्वयं के व्यक्ति। वो कई बार मतलब काल्पनिक चित्र जैसे कि जो भी कल्पनाओं में आया, कल्पना का संसार एक जैसे कि सपने देखा या कोई आकृतियां दीवार पे दिखी, इस टाइप से फिर उनको ही उन्होंने एक फॉर्म दे दिया, फिर उसको अपनी उंगली के भी माध्यम से या रुई के फाहों के माध्यम से या कि कोई भी किसी भी फूलों के माध्यम से ही ऐसे चित्रण कर दिया, ऐसे फूल के रस से ऐसे ही रगड़ रगड़ के उससे चित्रित कर दिया। तो कई सारा मतलब वो एक आधुनिकवाद वो एक लाए चित्र भारतीय चित्रशैली में, कि यहाँ कोई भी नए सारे कई सारे प्रयोग उन्होंने किए। अच्छा, एक नाम आपने और सुना होगा जब बंगाल चित्रशैली की बात ही कर रहे हैं, शारदा चरण वकील। आप नंदलाल बोस की बात कर रहे हैं या अमनी राय की बात कर रहे हैं, बेटा एक मिनट बस होल्ड। हेलो जी, सिंपल सिंपल राजकुमार सिंह। नहीं, प्रभारी। हाँ हाँ जी, बताइए हम लोग की आज कहाँ पे चर्चा कर रहे थे। किशन जी आप बोल रहे थे। हाँ जी सर, शारदा चरण वकील के बारे में सर। आप ये शुरुआती दौर के जो रवींद्रनाथ रवींद्रनाथ टैगोर के जो शिष्य थे। हाँ सर, ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे और इन्होंने सर दिल्ली में अपना अपना एक खुद का कॉलेज भी खोला था अपने भाई के साथ मिलकर के, रानोदा वकील के साथ मिलकर के। और इनकी भी वॉश टेक्निक में ही इन्होंने काम किया है और थिएटर में भी कुछ काम किया है, थिएटर आर्टिस्ट, कुछ मूवीज में भी काम किया, जिसमें एक तो बुद्ध भगवान की मूवी में काम किया जिसमें शुद्धोधन की भूमिका इन्होंने निभाई थी। और पौराणिक विषयों पर से चित्रण करते थे ज्यादातर, वॉश टेक्निक अजंता वाली इनकी थी और अवनींद्रनाथ के शिष्य थे तो उन्हीं का प्रभाव था। इस पर जब पिछली बार हम लोग क्लास ले रहे थे तो असाइनमेंट बनाने की बात हुई थी, तो तीन चार हमारे पास आए हैं। कृष्णा जी आपने भेजा है क्या? सर इस बार वाला भेजा नहीं है सर, लिख रहे थे बस, थोड़ा बचा है, बाकी कंप्लीट हो दो गया है सर। तीन आए, किसने किसने भेजे हो बताइए। एक तो इनका है सिद्धार्थ जी का कल, तो आपने भेजा है क्या? तीन हाँ सर, आए। मैंने पहले ही भेज दिया था। अच्छा, तो एक कोई एक उसको पढ़ लो, उस पर हम लोग डिस्कस कर ले। पिछली बार से इस बार बेहतर लिखे आप। इधर सिद्धार्थ जी ने प्रॉपर उसको हेडिंग सेटिंग बना के लिखे थे। सिद्धार्थ जी आप शुरू कर दीजिए, आपके पास है अभी के लिए? सर मेरे पास तो है सर, लेकिन वो थोड़ा बड़ा है सर, मतलब मेरा ये था कंसर्न कि कुछ छूटे ना उसमें, सब कुछ लिख डाले सर, इस वजह से वो थोड़ा बड़ा है सर तो टाइम लगेगा। हाँ कुछ मेन मेन कुछ पढ़ मेन सकते मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग, बोलिए हैं। ठीक तो सब में शेयर हो जाएगा, थोड़ा एक बार रिवाइज भी हो जाएगा वो टॉपिक। सर वो थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ देते हैं। विश्व की सभी प्रागैतिहासिक कलाएं मानव के सभ्य होने के पूर्व की हैं, उसमें मानव के जन्मोत्थान और क्रमिक विकास का इतिहास संकलित है। जैसे जैसे मानवीय सभ्यता के पग पर बढ़ता गया वैसे वैसे समय के साथ कला भी विकास की सीढ़ी चढ़ती गई। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज मनुष्य के सांस्कृतिक इतिहास में अभूतपूर्व महत्व रखती है। इन चित्रों का उद्भव काल मानव जाति की उत्पत्ति काल के इतिहास से ही संभवतः जुड़ा हुआ है। प्रागैतिहासिक काल पूर्व ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक संस्कृतियों में निर्मित सभी कला है। यह कला एक लिखित रिकॉर्ड से पहले की गई कलाकृतियों को संदर्भित करती है। वही कालखंड का विभाजन करते हैं तीन भागों में, जिसमें वो छोड़ दीजिए और आगे बढ़ो।
ठीक है, तो पूर्व पाषाण काल जिसमें कि ज्यादा मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था, और अच्छा, जैसे आपने अपने कालखंड में डिवाइड किया होगा, जनरली 3 युग किया होगा आपने, ठीक है ना, 3 कालखंड में। तो ये बताइए कि जो अगर जैसे काल के कुछ चित्र मिले हैं, तो वो जब शुरुआत से तो नहीं बन रहे होंगे। हाँ, नहीं सर, वो नवपाषाण काल से चित्र बनना शुरू हुए थे। तो शुरुआत नवपाषाण, में सर, मानो शुरुआत में उसको मतलब सभ्यता, तो उसको धीरे धीरे सभ्य होना शुरू हुआ था। वो पहले तो पशु की तरह ही जीवन व्यापन करता था। तो इस काल का मानव जो है वो प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था, और औजारों में पत्थर हड्डी लकड़ी के मोटे भद्दे औजार बनाता था। और इसकी खोज जो है बृहस्पुट नामक विद्वान ने मद्रास के समीप पल्लावरम में की थी सबसे पहले। और इसके केंद्र जो है पूर्व पाषाण के, उसमें सोवा, नर्मदा, साबरमती नदी की घाटियों में मिले हैं। इसके अलावा उड़ीसा, मैसूर और मद्रास से भी प्रस्तर युगीन औजार और हथियार मिलते हैं। और पूर्व पाषाण काल का मानव जिसे दक्षिण भारत में चेन्नई के पास अंगोला, चिमलीपुट और कुडापा तक ये लिमिटेड था, सीमित था। और इसके बाद मनुष्य इस मनुष्य को क्वार्टीजाइट मनुष्य के नाम से जाना जाता है। ये सर मतलब एकदम अर्ली स्टेज, अर्ली फेज के टाइम में इसको कहते हैं मनुष्य कहते थे। तो कुछ कुछ वर्ष पूर्व ही मध्य प्रदेश के मोरेना जनपद के पहाड़गढ़ श्योरपुर कला क्षेत्र के करीब 25,000 वर्ष पुराने चित्र डीपीएस द्वारिकेश ने खोजे हैं। और इसमें शिकारी और शिकारे जो गेरू और सफेद रंग से बने हुए इसमें चित्र मिले हैं। इसके बाद मध्य पाषाण काल, इस युग को संधि काल के नाम से जाना जाता है। और औजारों को थोड़ा अधिक सुडौल और ज्यामितीय रूप देना शुरू कर देते हैं मानो। और इस युग में मिट्टी के बर्तन बनाने की चेष्टा की गई है। कुछ संधि काल किस 2 पीरियड के बीच का, वो बताइए। मध्य पाषाण काल, हाँ सर, संधि काल। तो इसमें थोड़ा मिट्टी के बर्तन बनाने की कोशिश करते हैं और वो कुछ हद तक सफल भी रहते हैं। और केंद्र जो है इसके मध्य प्रदेश, गुजरात, सिंध, आंध्र प्रदेश, कश्मीर, थोड़े परिष्कृत औजार बनाना शुरू करते हैं। इसके बाद उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल, यहाँ पर अवशेष, यहाँ के अवशेष बेलारी से प्राप्त हुए हैं दक्षिण भारत में तमिलनाडु के पास। और कृषि कृषि में पशुपालन आरंभ हो गया था। कलात्मक बर्तन भांडों के को चाक पर बनाना स्टार्ट कर दिया था। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, छोटे गांव बसाना स्टार्ट कर दिए थे। सामग्री में नर्मदा नदी के पास गढ़ा हुआ गोल यंत्र मिलता है। और कुछ स्थानों पर हिरौंजी के टुकड़े मिलते हैं जिसको सील नुमा पत्थर पर घिसाई पिसाई कर की जाती थी कलर बनाने के लिए, तो उसका साक्ष्य मिलता है। दरियाई घोड़े, पशुओं की अश्मीभूत अस्थियां, पॉलिश किए हुए यंत्र, ये सारी चीजें मिलती हैं। केंद्रों की बात करें तो यहाँ पर मानव भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में फैल गए थे। और चित्रकला का विकास हुआ था केंद्रों में बेलारी, वायनाड के एटकल, सिंगनपुर, बुंदेल परगना, विंध्याचल मिर्जापुर, रायगढ़ हरनी, बिल्ला सरंग। और इसकी खोज, इसमें कुछ विद्वानों ने इसकी इसके बारे में जानकारी दी थी, जिसमें एलन हाटन ब्राडिक, स्टुअर्ट पिगार्ड, डीएच गार्डन, प्रोफेसर जुनेर, लियोनार्ड आदम, श्री एफ आर आल्चिन, श्रीमती आल्चिन, और डी डब्ल्यू एंडरसन क्लार्कबर्न, सी ए सिल्वराट, पंचानना मित्र, मनोरंजन घोष इत्यादि। और सर अब क्या सब लोग वही बात है सर जो सब लोग कोई बात पहले। नहीं, एक बार हम लोग सुन लेते हैं तो शुरू में बहुत सारी चीजें हम लोगों को लंबे समय तक याद रहती है। नेक्स्ट क्या पॉइंट बनाया था आपने? नेक्स्ट नेक्स्ट है सर, इसमें थोड़ा और है। इसका केंद्र एक तो ब्राडिक, एक विद्वान थे ब्राडिक जिनकी पेंटिंग एक बुक थी, प्री पेंटिंग, वो 1958 में उन्होंने बहुत फेमस एक बुक लिखी थी, एलन हटन ब्राडिक ने, उसका नाम था प्री स्टोरिक पेंटिंग। और स्टुअर्ट पिगार्ट ने एक बुक लिखी थी प्री स्टोरिक इंडिया 1950 में। फिर केंद्र जो है मध्य प्रदेश, केंद्र मध्य प्रदेश में आदमगढ़, रायगढ़, चक्रधरपुर, होशंगाबाद, पंचमढ़ी, भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश के केंद्र है। और मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश में है उसमें लखनिया दरी, कोबर, भंडरिया,
और उसके बाद में कुछ श्रीमती श्री और श्रीमती आलचिन जिन्होंने ऋषिमुख पर्वत के निकट 3,000 वर्ष पूर्व समय बताया है, चक्रधरपुर से प्राप्त चित्रों को असित कुमार हलदार ने भी 3,000 वर्ष पूर्व का बताया। इसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ फेमस केंद्र हैं जिसमें पंचमढ़ी है और कुछ पढ़ देते हैं, पंचमढ़ी, पहाड़गढ़, रायगढ़, भीमबेटका, मंदसौर, होशंगाबाद, आदमगढ़, इतने हैं। तो मध्य पंचमढ़ी में महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है पंचमढ़ी, और इसके पास पास कोई 5 मील के गहरे में 50 के करीब दरिया और गुफाएं हैं। डीएच गार्डन ने 1930 में एक लेख लिखा था जिसमें 15 से अधिक शिलाश्रयों और गुफाओं की खोजबीन का उसमें उल्लेख था। अरे इस चीज में आपने कुछ वो भी लिखा है कि इनके जो चित्रों के बनाने की टेक्निक कैसे, इस पर हाँ कुछ पढ़ी है, कुछ सर, कुछ पढ़ी है। वो सर अलग से नहीं लिखा है मैंने, हाँ वो केंद्र इसी में के हिसाब से लिखा है कि हर केंद्र में अलग अलग टेक्निक में काम हुआ ना, तो लास्ट में थोड़ा सा लिखे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हर हर केंद्र का विषय वस्तु भी अलग था और थोड़ा कलर वगैरह भी अलग था। तो अच्छा कॉमन थीम क्या थी हाँ सर, जो भी एलपी स्टोर के लिए हम लोग के पास बहुत सारे चीज मिले हैं साक्ष के रूप में, कुछ तो अभी आप बता रहे कि अलग अलग केंद्रों पे उनके चित्रों को बनाने का ढंग अलग अलग था, ठीक है, लेकिन हम जब कुछ चीजें सभी में शामिल होगी तो उन हाँ सब में सभी सामान्य समानता सर विशेषताएं बता देते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं। यहाँ पर खुरदरी चट्टानों और दीवारों में फर्शों पे और भित्तियों पर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। अनेक चित्र जो हैं प्रस्तर शिलाओं पर हैं, इसमें लाल गेरू हिरौंजी, काले जिसमें कोयला और काजल, सफेद जिसको खड़िया रंगों से बनाया गया है, और इन रंगों को तैयार करने से पहले उनमें पशुओं की चर्बी मिलाई जाती थी बाइंडर के रूप में, और आकृति की सीमा रेखा को नुकीले पत्थर से खोदकर बनाया जाता था जिससे कि वो स्थायी रहे और पानी में घुले नहीं। सीधी वक्र आयताकार आकृति ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग करते थे, प्राय वो सांकेतिक होते थे, और उनको देख करके ऐसा लगता था जैसे कोई कोई मॉडर्न आर्टिस्ट मॉडर्न पेंटिंग बना रहा हो। जी। तो ऐसे ऐसे वर्क होते थे, और स्वास्तिक, त्रिभुज, षटकोण, आयताकार, ये सारे रूपाकार होते थे। ज्यामितीय आकारों का प्रयोग प्रकृति की विभिन्न शक्तियों या जादू के विश्वासों को व्यक्त करने के लिए किया गया था। रेखाओं द्वारा पहले रेखाओं में पूरक रंग यानी कि कंट्रास्ट कलर का छेपांकन पद्धति में यानी कि स्टेंसिल पद्धति में उसका प्रयोग किया गया था, और तूलिका को किसी रेशेदार लकड़ी, धातु, नरकुल से उसके सिरे को कूट करके बनाया जाता था। पशुओं के पुट्टे की हड्डी को प्याली के रूप में, बाउल के रूप में घोलने के लिए काम में लाते थे, और इस प्रकार शिला चित्रों में पर्याप्त सृजनशीलता, मौलिक उद्भावना, अंतरंग सौंदर्य बोध, रूप विन्यास, अभिव्यक्ति, रचना कौशल, निजी वैशिष्ट, ये सारी भावनाएं होती थी चित्रों में। यस एक 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 क्वेश्चन का जवाब कि आपने वो जो बताया था कि इन्होंने चाक पे बर्तन बनाने भी सीख लिए थे, औजार बनाने लगे थे, खेती भी करने लगे थे, और जैसे शुरुआत में तो ये मंतु मनुष्य पशुओं की तरह ये इनका रहते थे, समूह में रहते थे, धीरे धीरे वो बस्तियों में रहने लगे। अगर ये कहें इसके बाद एक और नाम आता है जो बहुत पॉपुलर है पुरानी संस्कृति है, इंडस में भी से पहले थी, जिस पर हम लोग चर्चा भी करते हैं। अगर ये कोई पूछे कि क्या सिंधु घाटी काल की जो सभ्यता का विकास हुआ उसकी आधारभूत प्रागैतिहासिक काल में विकसित हो चुकी थी, इसको कैसे डिस्क्राइब करें? सर, क्या लास्ट लाइन क्या बोले सर, नहीं सुन पाए लास्ट लाइन। जो सिंधु घाटी काल की जो सभ्यता है इसके विकास का मार्ग प्रागैतिहासिक काल से निकलता है, ना कि ये सीधा बोल पूछे तो कैसे आप इसको सिद्ध करेंगे? मतलब सभ्यता का विकास होता है उसके उसका उसकी जड़ें जो है प्रागैतिहासिक काल है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, तो कैसे इसको सिद्ध करें?
सर मतलब वही है, प्रकृति से ही प्रेरणा लेकर के अपनी भावनाओं के अभिव्यक्ति करने के लिए वो पेंटिंग्स बनाना शुरू करते हैं, और जैसे 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 डेवलपमेंट होता जाता है, जैसे पहले वो पशुओं की तरह रहते थे, उनको कुछ भी पता नहीं था, नहीं, लेकिन सुनो सुनो, इसको ऐसे सोच लेना, सब लोग सोच लेना कि आपने जो कृषि का विकास हो गया लास्ट था। लास्ट जो चीजें आपने तो बोली कि जैसे आपने कुछ मुहर की भी बात की थी अभी बीच में कि वो उनके समय की कुछ मुहर मिली है, चाक का विकास किया था, कुछ बर्तन बनाने लगे थे, खेती करने लगे थे, आरंभिक रूप उसमें है, बस्तियां बना के रहने लगे थे, ठीक है ना। अगर हम इसी को जब हम वाली सिविलाइजेशन देखते हैं तो इन्हीं सारी चीजों का और विकसित रूप के आधार पर वो संस्कृति विकसित होती थी। जैसे चाक इन्होंने शुरू की, आपने कहा शुरू में उनके थोड़े टेढ़े मेढ़े बनते थे, उन्होंने उसमें और महारत हासिल कर ली, चाहते एक तरीके से उनकी जरूरत के बर्तनों को मास प्रोडक्शन करने लगे। आपने कहा वो बस्ती बना के रहने लगे थे, पहले तो वो सब घुमंतू प्रवृत्ति के थे, तो इन्होंने जो बस्तियां बसाई वो भी थी सुसंस्कृत समाज के थे कि इन्होंने प्लान में उसको बसाया। जैसे इनके बहुत सारे जो सिटी प्लान्स अगर देखें तो जैसे उनके जो भी रोड्स थे वो सब एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते थे, तो उसके लिए तो कई सुविधाएं होती है उसमें। अब जो उसमें मान लीजिए जो मकान बनाने के लिए जो भी वो प्लाटिंग कर रहे होंगे तो वो सारे मकान ये जो भी घर का नक्शा बनाएंगे उस पर जो भी रूम होंगे वो वर्गाकार या आयताकार प्रॉपर वे में बन सकते हैं। कई घर होते हैं आप लोगों ने देखा गली मोहल्ले में लोग कब्जा करते थे कि टेढ़ी मेढ़ी जमीन मिली उसमें बना लिए, बहुत सारे कब्जे उसमें टेढ़े होते ही होते हैं। तो इसका देखो हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ता है कि हमारे जीवन किस पे आधारित है, प्राकृतिक शक्ति। जैसे हमको हवा तो चाहिए सांस लेने के, ऑक्सीजन तो कहाँ से मिलती है, वायुमंडल से। हमको सूरज की रोशनी तो चाहिए चाहिए, ठीक है, पानी चाहिए चाहिए। तो ये सारी जो प्राकृतिक शक्तियां हैं वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक अंग है। तो हमारे घर में जैसे आप लोगों ने अगर गाँव कुछ प्लांट में मकान बने देखे होंगे तो एक बड़ा सा आंगन होता, उसके फिर चारों तरफ वो बरामदा नुमा बनाते हैं, उसके बाद फिर रूम्स बनाते हैं। तो वहां तो होता कि हमको प्रकाश भी चाहिए और हवा भी चाहिए। तो आपने कई बार ऐसे देखो कि ऐसे कमरे जहाँ पे रोशनी नहीं पहुंच रही और हवा का भी सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, वो आपकी नमी रहती है। अगर ऐसे रूम में किसी आदमी को लंबे समय तक रखा जाए तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अब जैसे गांव के घरों में जिक्र किया कि वो बड़ा सा आंगन और फिर बरामदे उसके बाद वो रूम बनाते, तो इन आंगन का भी अपना महत्व है, उसमें जो बरामदे बना रहे उनका भी अपना महत्व, फिर जहाँ पे उसके बाद रूम बना रहे उनका भी। अब होता कि आंगन से हमको हवा अगर जो आएगी, अगर हम प्रॉपर घर का डिजाइन है तो वो पूरे घर में सर्कुलेट होगी, धूप आएगी तो वहां पर जो बरामदा है वो थर्मोस्टेट का काम करेगा, जो पीछे कमरे हैं वहां तक डायरेक्ट ही नहीं पहुंचेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्लांट में जो सारी चीजें जो आपने प्रीहिस्टोरिक के लास्ट फेज में बताई उन्हीं का और बेहतर इस्तेमाल करके इन्होंने डिफरेंट आर्ट फॉर्म वगैरह विकसित किए, ठीक है। चलो अब हम लोग कल चर्चा करते हैं, शुभम जी। शुभम जी सर एक क्वेश्चन है सर, जो आपने असाइनमेंट दिया हुआ है मुगल राजस्थानी और पहाड़ी पे, सर उसे कितने पेज में लिखना है? ओके मैक्सिमम 2.5 से 3 पेज का बनाओ सर। मैटर वो सारा 2.5 से 3 पेज में कंपाइल करना है,
कि हर पहलू को आप यस सर, छूते क्योंकि जाए मैटर सर बहुत ज्यादा है कि उसमें क्या उसको छोड़े, क्या उस उसमें ऐड करे। सर ऐसे ही प्रागैतिहासिक में भी हुआ था, उस क्या पर उसमें किताब। ऐड करे क्या हटाए। ये एक बहुत कठिन काम होता है, बहुत सारे मटेरियल को कम मिलाना और उस पर कभी ला पाओगे जब प्रॉपर उसको आपने स्टडी की हो, 2.5 से 3 पेज बड़ा उससे ज्यादा है। ठीक है सर, आगे चाहिए तो मेरा आपको हम सेंड कर चुके हैं सर, हम राजस्थानी के समझ रहे थे आप पूछ रहे हैं तो इसलिए अच्छा, हम काम कर रहे हैं। चलिए चलिए ठीक है, गुड इवनिंग।